Now what we have to solve? We have to solve question number 2 of your exercise 1.2. हमें आपकी exercise 1.2 का question number 2 solve करना है. चलिए question देख लेते हैं. Find the LCM and LCF of the following pairs of intersection. अभी हमने single single number का निकाला था, एक-एक number का. Now we have the pair of number. ठीक है? हमें इनका क्या निकालना है? LCF और SCF निकालना है. After that, we have to verify LCM into SCF. हमें verify करना है कि जो LCM और SCF का product है, it is equal to the product of two given number. जो दिए हुए दोनों number हैं, उनके product के equal है. चलिए तो इसे solve करके देखते हैं. सबसे पहले, we have to find out the LCM of इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं 26 और 91 का. 2 1 2 2 3 6 13 हुआ 13 1 13 यहाँ पर 7 से जाएगा 7 1 7 7 3 21 और 13 से 13 1 13. अब प्राइम फैक्टराइजेशन पहले इनका लिख लेते हैं, देन वी विल टेक आउट कॉमन फ्रॉम दैट. उसमें से तभी हम क्या निकाल पाएंगे, कॉमन निकाल पाएंगे. 2 into 13 और 7 into 13. तो यहाँ पर जो कॉमन नंबर है दैट इज ओनली 13 है केवल कॉमन. तो आपका जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 हो जाएगा. HCF मिल गया हमें. अब हमें निकालना है LCM. तो LCM क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका, LCM इज इक्वल टू होगा 2 into 13 into 7. तो ये हो जाएगा 7 2 14 into 13 52 5 182. आपका LCM कितना हो गया, LCM हो गया आपका 182. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ HCF इनटू LCM निकालना है ना. तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सॉल्व करेंगे. चलिए यहां देखते हैं इसका LCM इनटू HCF ऑफ किसका, 26 और 91. इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 13 into 182. 13 2 26 कैरी ओवर 2, 104 plus 2 तो कितना हुआ 6 2 3 6 6. इसका आंसर हुआ आपका 2366. ये हो गया आपका फर्स्ट. अब इस अगर हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करें, 26 और 91 को मल्टीप्लाई करें, तो क्या आपका इतना आंसर आ रहा है, ये हमें चेक करना है. चलिए नाउ मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर लिख देते हैं. आप प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, तो प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, 26 into 91 हो जाएगा आपका. ठीक है, अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं. ये हो जाएगा 26 9 6 54 कैरी ओवर 5 हो जाएगा और 9 2 18 18 plus 5 1 3 6 6 18 होगा ना बेटा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 है ना. तो इसका मतलब है इसका प्रोडक्ट भी कैसा आ रहा है आपका, सेम ही आ रहा है. ये तो 26 into 91 हमारा कितना आ रहा है, ये भी आ रहा है 2366 या 2366. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, LCM into SCF of 26 और 91 is equal to the product of 26 and 91, that is 2366 is equal to 2366. So it has been proved. ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका. सेकंड का आप इसे नोट कीजिए, देन वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन. चलिए बेटा, तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है ये है 510 और 92. चलिए हम इसका क्या करते हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 510 और 92 का. 2 2 4 2 5 10 2 5 10 5 से जाएगा 5 5 25 5 1 5 7 से 3 से चला जाएगा ये अभी, तो 3 3 1 3 3 7 21 और ये जाएगा किससे, 17 से 17 1 17. तो ये इसके फैक्टराइजेशन हो रहा है. अब 92 के लिए अगर हम देखें तो 2 से
डिवाइड करें, 2 4 8 2 6 12, 46 है, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, और फिर 23 से 23 1 23। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं। 510 इज इक्वल टू, और 92 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5 × 17, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × 2 × 23। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, केवल 2, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है। तो आपको एलसीएफ मिल जाएगा, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। अब एलसीएफ निकालते हैं, एलसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएफ होगा देखिए 2 तो एक बार कॉमन आ गया, तो 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 2 जा हो जाएगा 4 इंटू 5 3 जा, नहीं इसको ऐसे रहने दो, 17 × 3 कर लो तो ये हो जाएगा 51 × 23 × 5। अब देखो 5 4 जा हो जाएगा 20 20 × 51 × 23। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 20, यहाँ पे 1 20 02, 25 100, तो 102 ये हो गया, इंटू करेंगे आप 23, इसको 23 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 3 9, 3 2 6, 0 और 3 ये हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, 0 2 1 2, तो ये हो जाएगा 9 6 6 12, ये हो जाएगा 5, 2 3 5 2 9। यहाँ 3 0 0 आएगा, 2 6 होगा, 3 0 0 आ गया, 3 1 3, फिर 2 0 0, 2 2 4 हुआ, 2 0 0, 2 1 2, तो आपका होगा 2 3 4 6 0, आंसर होगा आपका 2 3 4 6 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ये आपको मिल गया एलसीएम, ये हो गया आपका एससीएफ, तो एलसीएम इंटू एससीएफ निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 3 4 6 0 × 2, 2 0 0, 2 6 12, कैरी ओवर 1 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एससीएफ, है ना। अब हमें देखना है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ 510 × 19, ठीक है। तो हम देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ 510 और 92, तो ये हो जाएगा 510 × 92, ऐसे करके देख लेते हैं, 2 0 0 2 0 2 1 2 2 5 10, ये हो गया 10 20, 9 0 0, 9 1 9 9 5 0, तो ये हो जाएगा 9 5 6 4 6 9 2 0, एग्जैक्ट द सेम, जो यहाँ पे आ रहा है वही इन दोनों का भी प्रोडक्ट आ रहा है। आप अपनी रफ कॉपी में अलग से अच्छे से करके देखते जाएंगे साथ में, है ना। तो ये हो जाएगा 4 6 9 2 0, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, इट हैज बीन प्रूव्ड, आप लिखेंगे इट हैज बीन प्रूव्ड द एलसीएम एंड इनटू एससीएफ ऑफ 510 और 92 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है बेटा, चलिए आप थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। अब जो इसका थर्ड ऑप्शन है, थर्ड क्वेश्चन है, दैट इज 336 और 54, चलिए इनका हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 2 13 हुआ, 2 6 12, 2 8 16, यहाँ पर 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, और 7 7 1 7, ठीक है। ये हो गया 336 का, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब 54 का देखते हैं, 2 2 4, 2 7 14, 27 आया, 7 2 9 होता है, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, अगेन 3 से होगा, 3 3 9, फिर 3 से होगा, 3 1 3, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन आर, यहाँ लिखेंगे 336 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, और यहाँ पर लिखेंगे 54 का फैक्टराइजेशन, दैट इज
3 into 3 into 3 into 3. अब हमें निकालना है कॉमन अमंग दीज, तो वो हमारा एस सी एफ हो जाएगा. तो देखिए बेटा यहाँ दोनों में 2 भी कॉमन है और 3 यहाँ आ रहा है, ठीक है. तो जो आपका एस सी एफ हो जाएगा, एच सी एफ इज इक्वल टू 2 into 3, दैट इज 6. एस सी एफ हमारा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है. नाउ इट इज द टाइम टू फाइंड आउट द एल सी एम. एल सी एम कैसे निकालेंगे बेटा, हम जो कॉमन है उन्हें आप एक बार लिखेंगे 2 into 2, 3 बार 2 और है ना, तो उसे एक्स्ट्रा लिख लेंगे. उसके बाद आपका 2 times 3, एक बार तो 3 कॉमन वाला होगा और दो बार एक्स्ट्रा 3 है. आफ्टर दैट 7, चलो देखते हैं. 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 into 3 3 9 9 3 27 into 7. 7 7 49 4 7 2 14 14 और 4 हो जाएगा 18 189 into हो जाएगा आपका 16. और जब आप 189, चलो 189 और 16 का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. इसका आप रफ्त में आंसर करके देख लेंगे तो ये हो जाएगा 3024, ठीक है. तो अब हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करते हैं एस सी एफ इंटू एल सी एम फाइंड आउट करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 6 into 3024, दैट इज 6 4 24 कैरी ओवर, 2 6 2 12, 12 2 14 कैरी ओवर 1, तो 1 आ जाएगा आपका. 6 3 18, 18144 इसका क्या हो जाएगा आपका, 18144. अब निकालते हैं द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर. प्रोडक्ट निकाल लेते हैं किसका, प्रोडक्ट ऑफ 336 into 54 करके देखते हैं. यहाँ पे ये हो गया 1844 ही आ रहा है. जो आपका यहाँ आंसर आ रहा है सेम आंसर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है. तो आपका आंसर होगा 18144. अगेन आप ये लिखेंगे, इट हैज बीन प्रूव्ड द सीएफ एंड एलसीएम ऑफ 336 and 54 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड.